नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज़। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे स्थित शहीद स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली से उत्तराखंड जाते वक्त शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा हरिद्वार से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि उन पर जो केंद्र के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताया, वह उसका आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने मीडिया के अपने कार्यालय में एक पत्रकार को जेल भेजने पर उन्होंने यह कहा कि जो अपराधी है वो जेल जाए। उन्होंने कोई पत्रकार जेल नहीं भेजा, जिसने गलत किया उसे सजा मिली है। देखिए, तो बहुत प्रतीक्षित था रामपुर के रहा जो कांड हुआ था, और तमाम लोग, हमारी माँ बहनें अब भी अपमान का घूंट सहन कर रही हैं। निश्चित रूप से जो कोर्ट का फैसला होगा उसकी हमको प्रतीक्षा है। सर, लोग सब आपके सामने नहीं, हमने किसी पत्रकार को जेल नहीं भेजा है, किसी भी पत्रकार को जेल नहीं भेजा है। अगर किसी ने अपराध किया है तो ऐसे सैकड़ों लोग जेल में भेजे हैं। किसी ने समाज के साथ कोई अन्यायपूर्ण काम किया है जो कानूनी दृष्टि से गलत है, तो उन पर कार्रवाई हुई है। चुनौती, अभी कांग्रेस की हमको प्रतीक्षा है कि कौन सामने आते हैं, लेकिन जीतेगी भाजपा ही। आपके मुख्यमंत्री काल में एक साल पहले आपको कार्यमुक्त कर दिया गया, उस पर आपने जवाब नहीं दिया अब तक, क्या वजह? कोई जरूरत नहीं है, होता रहता है राजनीति में। एक एक सेशन में तीन तीन चार चार मुख्यमंत्री बदले, कोई कांड बड़ा फैसला था, आज फैसला आने वाला है सर, क्या? मैंने कहा हमको उसकी प्रतीक्षा है। कैसे क्या लगता है सर, उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा कर रहा है 100%।